टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। भारत में कई राज्य और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की मैक्सिमम इकोनॉमी पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटन एक बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का। बर्फीली और पहाड़ी राज्यों का तो मुख्य स्रोत पर्यटन ही होता है। भारत में कई पर्यटन स्थल हैं जहां के लोगों की आजीविका वहां आए हुए पर्यटकों के ऊपर निर्भर करती है। जो लोग घूमने के शौकीन हैं और नई संस्कृति, विरासत और नई नई जगहों को देखना और जानना चाहते हैं, उनके लिए टूर एंड ट्रैवल एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें घूमने के साथ साथ करियर भी बनाया जा सकता है। अगर आपकी कई भाषाओं में पकड़ है तो इस फील्ड में बहुत मजबूत पकड़ बना सकते हैं। इससे दुनिया के रीति रिवाजों को अच्छे से समझने और जानने में आसानी होती है। किस फील्ड में पकड़ बना सकते हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ग्रेड की नौकरी संघ लोक सेवा आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देकर सरकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट में सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ, टूर प्लानर्स, रिजर्वेशन एंड काउंटर स्टाफ, टूर गाइड की जॉब पा सकते हैं। एयरलाइन जिन्होंने टूरिज्म किया है, साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स टूरिस्ट गाइड का कोर्स जिन्होंने किया है, वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। ट्रैवल एजेंसीज पर्यटक को कई सारे विकल्पों में से किसी एक अच्छे विकल्प की सेवा उपलब्ध करवाने की डील करता है। होटल क्षेत्र के पर्यटन उद्योग अधूरा है। ये वही जगह है जहां पर्यटक रुककर पूरे पर्यटन का लुत्फ लेता है। होटल मैनेजमेंट वाले इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। टूरिस्ट इंडस्ट्री पूर्ण रूप से डिपेंड है पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र पर। इन पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को घुमाने फिराने में लगाने वाले व्यय के माध्यम से ही टूरिस्ट इंडस्ट्री कमा रही है। इसके लिए हर देश की टूरिस्ट मंत्रालय ने उस स्पॉट को फिक्स किया है जहां पर पर्यटन फल फूल सकता है और फल फूल चुका है। जहां जाने के लिए पर्यटक उतावले होते हैं, पर्यटन स्थलों का पूरा मानक तय रहता है और वहां के क्षेत्र को आने जाने वाले पर्यटक के अनुसार सुगम बनाया जाता है ताकि आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावे के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मार्केटिंग की, जिसे टूरिज्म क्षेत्र के दिग्गज और छोटे छोटे वर्कर मिलकर इसे पूरा करते हैं। मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग के लिए सरकार ने कुछ पोर्टल्स लॉन्च कर रखे हैं, साथ ही प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां ऐसी तमाम वेबसाइट और ऐप बना रखी हैं, जिसके द्वारा कोई पर्यटक अगर टूर प्लान करता है और वहां जाना चाहता है, वहां पर कौन कौन से स्पॉट है उनका अवलोकन कर सकता है, साथ में वहां के होटल्स में रुकने और खाने की जानकारी ले सकता है। ये वेबसाइट और ऐप होटल बुकिंग की सुविधा देते हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में भीड़ अधिक होने की वजह से रुकने के लिए जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। मुख्य बिंदु ये वेबसाइट टिकट बुक कराने का ऑप्शन देती है। इसमें बस, रेल और हवाई जहाज शामिल हैं। कई प्रकार के पैकेज देती है, जो आपको सस्ता और अच्छा लगे उसे बुक कर सकते हैं। इसी तरह टूरिस्ट एजेंट भी कई तरह के पैकेज बना के रखते हैं। जब कोई पर्यटक उनके पास आता है तो उस पर्यटक पर जाने से लेके वापस आने तक का कितना खर्चा आएगा, कितने दिन रुक सकते हैं, वहां पर किन चीजों का अलग अलग से चार्ज देना होगा, पूरी डिटेल रहती है। इस तरह पैकेज लेने के बाद एजेंट या वेबसाइट को उनका कमीशन मिल जाता है और बाकी का पैसा संबंधित होटल्स और अन्य को चला जाता है। इस इंडस्ट्री में सबसे अधिक पार्टनरशिप है, जिसके द्वारा एक ही जगह से सारी बुकिंग हो जाती है और सभी को अपना पैसा मिल जाता है। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो कार, घर को रेंट पर दे सकते हैं या फिर फूड ऑफर कर सकते हैं। ऐसी कई वेबसाइट है जिनके साथ जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर्यटक को होटल लॉज दिलाकर भी कमीशन कमाया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र का अच्छा नॉलेज है तो गाइड बनकर भी रोज का 1,000 से 5,000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र होने की वजह से इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसमें सरकारी, प्राइवेट के साथ साथ निजी कार्य को भी बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। टूरिज्म में ऑफिसर, टूरिस्ट गाइड, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की पद सरकारी जॉब में मिलती है। भारत में यात्रा पर्यटन 234 बिलियन का मार्केट है और ये हर साल 2% के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। 2019 में ट्रैवल एंड टूरिज्म ने 89.80 मिलियन नौकरियों का उत्पादन किया है और $194 बिलियन का मार्केट कैप बनाया है, जो कि भारत की जीडीपी का 6.8% है। अतुल्य भारत में विभिन्न प्रकार की पर्यटन शाखाएं हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विशेष रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकास पदोन्नति के लिए 10 आला उत्पादों की पहचान की है और भारत को 365 दिनों के पर्यटन स्थल के रूप में देख रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से टूरिज्म अच्छा पैसा कमा रहा है। क्रूज पर्यटन भारत के लिए सुंदर समुद्र तट, रमणीय द्वीप और जंगलों का पता लगाने के लिए नया विपणन योग्य उत्पाद। भारत के समुद्र तट और अंतर्देशीय जलमार्ग में क्रूज या बोट हाउस पर्यटन का विकास हुआ है, जिसमें 8 टूरिस्ट क्रूज सर्किट, ओशन क्रूज, रिवर क्रूज और लेक क्रूज शामिल है। एडवेंचर पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग शामिल है। आयुर्वेद, योग, ध्यान, पंचकर्म द्वारा वेलनेस टूरिज्म में कम तनावपूर्ण जीवन शैली के लिए यात्रा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जीवन में संतुलन खोजना शामिल है। इको टूरिज्म को
पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में भी जाना जाता है, जो नाजुक, प्राचीन और आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा के लिए होती है। निष्कर्ष: पर्यटन उद्योग में अच्छी क्षमता को देखते हुए सरकार ने भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कदम उठा रही है। उनमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उदाहरण ले सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की संस्कृति और विरासत पर कई स्थलों और गहन गहराई और विस्तार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। 12 साइट्स के लिए ऑडियो गाइड सुविधा ऐप लॉन्च किया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से 15 घरेलू पर्यटन स्थलों का दौरा करने का आग्रह किया है। अच्छा स्कोप है इस फील्ड में करियर बनाने का। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।